हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे टार्सल प्लेट्स को। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक लेक्चर था वो डिलीट हो चुका है, सो आई एम मेकिंग इट अगेन। कि मैं आपको बता रहा था कि सुपीरियर टार्सस और इन्फीरियर टार्सस, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है। दोनों प्लेट्स हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं। कहाँ से आती हैं, कि जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ ऑर्बिटल बोन होगी उसकी पेरी ऑर्बिटा से ये हमारे पास आ रही होती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर साइड ऑफ द ऑर्बिटल बोन की पेरी ऑर्बिटा से ये हमारे पास आ रही होती हैं। दो प्लेट्स, दो कनेक्टिव टिश्यू, सुपीरियर टार्सस और इन्फीरियर टार्सस, ठीक है। इन सुपीरियर टार्सस और इन्फीरियर टार्सस, सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास क्या एक चीज़ मौजूद होगी, कि इस सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास एक ग्लैंड लोकेटेड होगा। सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास क्या लोकेटेड होगा, एक ग्लैंड लोकेटेड होगा। इस ये जो यहाँ पे सुपीरियर टार्सस है, इस पे हमारे पास क्या लोकेटेड होगा, एक ग्लैंड लोकेटेड होगा, ठीक है। इस सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास क्या लोकेटेड होगा, एक ग्लैंड लोकेटेड होगा। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि यार ये सुपीरियर टार्सस है, इस सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास क्या वो होगा, ग्लैंड लोकेटेड होगा। अगर ये हमारे पास सुपीरियर टार्सस है तो इस सुपीरियर टार्सस पे हमारे पास क्या होगा, एक ग्लैंड लोकेटेड होगा, जिसका एम से करके एक नाम आता है, बड़ा अच्छा नाम आता है। लेट मी शो यू इन द पिक्चर, यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हो। तो इसमें ये रहा वो ये ग्लैंड है, क्या नाम है इसका, अच्छा सा नाम था, मेलबोमियन ग्लैंड। मेलबोमियन ग्लैंड ये हमारे पास सुपीरियर टार्सस ग्लैंड होता है, टार्सस ग्लैंड लोकेटेड इन द टार्सल प्लेट। टार्सल प्लेट के अंदर ये लोकेटेड होता है, सुपीरियर टार्सल प्लेट में, ठीक है। अगर ये हमारे पास सुपीरियर टार्सल प्लेट है, कांगा ये रही हमारी सुपीरियर टार्सल प्लेट, तो इस सुपीरियर टार्सल प्लेट में जो है ये हमारे पास ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होगा। अब टार्सस प्लेट के बाद, टार्सल प्लेट के बाद जो है वो हमारे पास क्या आएगा, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा, ठीक है। जब हम इस सुपीरियर टार्सस को भी हटा देंगे आईलेट से, तो हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर टार्सस को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा ये हमारे पास क्या कहलाता है, कंजक्टिवा, ठीक है। कंजक्टिवा जो होता है ये हमारे पास दो टाइप की होती हैं। कंजक्टिवा हमारे पास कितनी होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक वो कंजक्टिवा, लेट मी एडिट इट, अगर हम ड्रॉ करते हैं इस पर कुछ ना कुछ, वेट, ऐसे नहीं, ठीक है, लेट मी फोकस ओवर हेयर ऑल्सो, ठीक। अगर हम इस पर ड्रॉ करें तो हमारे पास दो टाइप की कंजक्टिवा आती हैं। एक जो कि बिल्कुल हमारे पास टार्सल प्लेट्स के साथ कनेक्टेड थी, उसको हम कहते हैं पालपेब्रल कंजक्टिवा। उसको हम क्या कहते हैं, पालपेब्रल कंजक्टिवा, पालपेब्रल कंजक्टिवा। ये पूरी हटेगी इसमें, तो चलो दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर कि मैंने दो लेयर्स बनाई हैं, एक जो कि हमारे पास क्या कर रही है, एक जो कि हमारे पास बिल्कुल टार्सल प्लेट्स वाले एरिया को फेस कर रही होगी, यानी कि आउटर साइड पे हमारे पास, ठीक है, वो होती है हमारे पास पालपेब्रल कंजक्टिवा। वो हमारे पास क्या होती है, पालपेब्रल कंजक्टिवा, यानी कि टार्सल प्लेट्स के बाद जो हमारे पास है ना कंजक्टिवा का जो पहला पार्ट नज़र आएगा वो हमारे पास क्या होगा, पालपेब्रल कंजक्टिवा। उसके बाद इस पालपेब्रल कंजक्टिवा से आप देख सकते हो आगे की तरफ रिफ्लेक्शन जा रही हैं, आगे की तरफ हमारे पास रिफ्लेक्शन जा रही हैं टूवर्ड्स द स्क्लेरा एंड टूवर्ड्स द है ना कॉर्निया वाली साइड, ठीक है। टूवर्ड्स द स्क्लेरा एंड टूवर्ड्स द कॉर्निया वाली साइड जो मैंने पिंक से स्ट्रक्चर बनाया है वो इसकी रिफ्लेक्शन जा रही हैं, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, बल्बुलर कंजक्टिवा। इस रिफ्लेक्शंस को हम क्या कहते हैं, बल्बुलर कंजक्टिवा। बल्बुलर कंजक्टिवा क्या है, वो पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द स्क्लेरा एंड टुवर्ड्स द कॉर्निया, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द कॉर्निया एंड स्क्लेरा, उसको हम क्या कहते हैं, बल्बुलर कंजक्टिवा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, ये बल्बुलर कंजक्टिवा, ये हमारे पास कौन सी कंजक्टिवा, पालपेब्रल। बल्बुलर कंजक्टिवा, पालपेब्रल कंजक्टिवा, लेट जैसे मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, यू कैन सी हियर, ठीक है, बल्ब वो पालपेब्रल कंजक्टिवा, बल्बुलर कंजक्टिवा, और फिर बल्बुलर कंजक्टिवा हमारे पास आगे की तरफ आ रही है टुवर्ड्स द कॉर्निया, टुवर्ड्स द आयरिस, प्यूपल एंड कॉर्निया, ठीक है। अगर ये हमारा आयरिस है, ये प्यूपल है, इनको लाइन किया हुआ होगा किसने, इनको लैंड किया हुआ है बाय कॉर्निया, तो ये हमारे पास बल्बुलर कंजक्टिवा यहाँ तक आ रही है, ठीक। अब पालपेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा एंड द बल्बुलर कंजक्टिवा, इन दोनों के दरमियान में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फॉर्निक्स, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्निक्स। सुपीरियर फॉर्निक्स, इन्फीरियर फॉर्निक्स होगा, ठीक है, इन्फीरियर साइड पर भी और सुपीरियर साइड पर भी फॉर्निक्स, ठीक है। अब फॉर्निक्स पालपेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा, बल्बुलर कंजक्टिवा, फॉर्निक्स
पाल्पेब्रल पार्ट एंड बल्बुलर पार्ट, ये सब के सब हमारे पास एक टर्म के अंदर आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवल सैक। उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवल सैक। कंजक्टिवल सैक के अंदर जहाँ जितना मेरा कॉन्सेप्ट बन सका है, क्योंकि कुछ बुक्स कहती हैं कि हमारे पास कंजक्टिवल सैक इज़ अ स्पेस बिटवीन द पाल्पेब्रल पार्ट एंड द बल्बुलर पार्ट। कुछ बुक्स कहती हैं कि कंजक्टिवल सैक क्या है, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द पाल्पेब्रल पार्ट एंड द बल्बुलर पार्ट एंड दिस सैक इंक्लूड्स फॉर्निक्स। ठीक है, दिस सैक जो होता है वो हमारे पास इंक्लूड करता है फॉर्निक्स, यानी कि सुपीरियर फॉर्निक्स एंड इन्फीरियर फॉर्निक्स इज इंक्लूडेड इन द टर्म कॉल्ड कंजक्टिवल सैक। बट कुछ कहती हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, पाल्पेब्रल पार्ट, इन्फीरियर पार्ट एंड दिस फॉर्निक्स, दे आर इंक्लूडेड इन द कंजक्टिवल सैक। सो जो भी हम समझें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास क्या होगा कि यार हमें पता है कि यार ये पाल्पेब्रल पार्ट है, पाल्पेब्रल पार्ट के बाद हमारे पास क्या आती है, पाल्पेब्रल पार्ट के बाद हमारे पास, मैंने आपको बताया था, सुपीरियर टार्सल प्लेट होगी। ठीक है, अब इस सुपीरियर टार्सल प्लेट के अंदर एम्बेडेड है कौन सा, ग्लैंड। सुपीरियर टार्सल प्लेट के अंदर क्या एम्बेडेड है, ग्लैंड, उसको हम क्या कहते हैं, टार्सल ग्लैंड। अब कंजक्टिवा, पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा एंड सुपीरियर टार्सल प्लेट, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है वो हमारे पास कहलाता है सब टार्सल स्पेस। वो हमारे पास क्या कहलाता है, सब टार्सल स्पेस। इन्फेक्शन वगैरह को पकड़ने के लिए ये स्पेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये जो सब टार्सल, ये जो हमारे पास टार्सल ग्लैंड जो है, टार्सल ग्लैंड लोकेटेड इन द सुपीरियर टार्सल प्लेट विल पियर्स द पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा एंड एंड इट्स सिक्रीशन इन द फॉर्निक्स। ये अपनी सिक्रीशन कहाँ पे एंड करेगा, फॉर्निक्स के अंदर एंड करेगा अपनी सिक्रीशन। फिर ये सिक्रीशन हमारे पास चलती जाएगी मीडियल साइड ऑफ द आई पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द आई पे जाके रुक जाएगी। इसी तरीके से हमें पता है कि यार ये सुपीरियर टार्सल प्लेट, सुपीरियर टार्सल प्लेट के ऊपर क्या होता है, लैक्रिमल सैक। ठीक है, लैक्रिमल सैक दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हुआ हुआ होता है। ठीक है, एक पहना हमारे पास पाल्पेब्रल, एक ऑर्बिटल। ठीक है, एक पाल्पेब्रल, एक ऑर्बिटल। तो ये दोनों के दोनों अपनी 12 ग्लैंड्स, 12 डक्ट्स देती हैं। 12 डक्ट्स वो क्या करेंगे, पहले इन टार्सल प्लेट्स को पियर्स किया, फिर कंजक्टिवा को प्ले, पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा को पियर्स किया, और अपनी सिक्रीशन कहाँ पे लेकर आ जाएंगी, अपनी सिक्रीशन इसके अंदर लेकर आ जाएंगी, फॉर्निक्स के अंदर। फिर वो सिक्रीशन विल मिक्स विद द सिक्रीशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड्स। ठीक है, और फिर वो भी हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द आई पे चली जाएगी। जब वो मीडियल साइड ऑफ द आई पे जाएगी तो हमें पता है कि यार मीडियल साइड ऑफ द आई पे हमारे पास क्या होता है, मीडियल साइड ऑफ द आई पे हमारे पास ये बना हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिका सेमिलियोनेरिस। वहाँ पे हमारे पास पंक्टम भी होता है, पंक्टम से हमारे पास फिर वो दो डक्ट्स कनेक्टेड होती हैं। तो हमारे पास ये फ्लूइड जो है, जो लैक्रिमल ग्लैंड का जो फ्लूइड जो है वो हमारे पास इस पंक्टम में चले जाएगा। पंक्टम में जाने के बाद, यानी कि जो लैक्रिमल पंक्टम होता है, वहाँ से हमारे पास जाने के बाद वो हमारे पास किसके अंदर चले जाएगा, कैनालिक्यूला के अंदर। कैनालिक्यूला से हमारे पास किसके अंदर जाएगा, लैक्रिमल सैक, और फिर लैक्रिमल सैक से हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई कि लैक्रिमल ग्लैंड से सीक्रेशन आई 12 डक्ट्स के थ्रू, फॉर्निक्स के अंदर गई, फॉर्निक्स से मीडियल साइड, मीडियल साइड से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट मी शो यू इन द पिक्चर ऑल्सो, सो यू कैन सी हेयर के जब हमारे पास सीक्रेशन इस एरिया पे आ जाएगी तो वो सीक्रेशन फिर हमारे पास कहाँ जाएगी, सीक्रेशन हमारे पास इससे ना लैक्रिमल वाले पार्ट पे आएगी। वहाँ पे हमारे पास पंक्टम लोकेटेड होगा, पंक्टम से फिर हमारे पास कैनालिक्यूला। ठीक है, पंक्टम लोकेटेड होगा उस लैक्रिमल पंक्टम, उससे हमारे पास क्या होगी, फिर कैनालिक्यूला, कैनालिक्यूला से फिर हमारे पास लैक्रिमल सैक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास पंक्टम लोकेटेड होगा, फिर वहाँ से कैनालिक्यूला, कैनालिक्यूला से लैक्रिमल सैक। एक और एक पिक्चर है उसमें मैं दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी हेयर कि हमारे पास यहाँ पे पंक्टम होगा, पंक्टम से फिर कैनालिक्यूला, ठीक है, कैनालिक्यूला से फिर हमारे पास लैक्रिमल सैक, और फिर सो ऑन, नेजो लैक्रिमल डक्ट। नेजो लैक्रिमल डक्ट विल एंड कहाँ पे एंड होगी, हमारे पास नेजो लैक्रिमल डक्ट एंड होगी इन्फीरियर नेजल मेटस पे। ठीक है, इन्फीरियर नेजल मेटस पे हमारे पास एंड होगी, और फिर नेजो फेरिंग से नीचे की तरफ चली जाएगी कहाँ पे, ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर जाएगी, इन्फीरियर नेजल मेटस में आई नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से हमें पता है कि नेजल कैविटी पीछे किससे कनेक्टेड है, नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग से फिर हमारे पास ओरो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग से फिर हमारे पास लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स के बाद ये हमारे पास एसोफेगस, और फिर ये हमारे पास स्वेलअप हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सीक्रेशन जो है, अगर वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सीक्रेशन आ रही है, सीक्रेशन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है तो हमारे पास क्या होगा कि फिर वो लैक्रिमल पंक्टम से जाएगी नहीं, और वो हमारे पास सीक्रेशन फिर क्या हो जाएगी, टीयर्स के फॉर्म में चीक वगैरह पे रोल अप होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो टार्सल ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है उसका फंक्शन ही ये होता है कि वो ना जो लैक्रिमल ग्लैंड की सीक्रेशन है उसको चीक वगैरह पे फ्लो होने ना दे। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है ना कभी कभी, तो फिर वो हमारे पास
क्या होता है कि वो लैक्रिमल पंक्टम से लैक्रिमल कैनालिकुला और इसके अंदर सैक के अंदर नहीं जाती, फिर वो हमारे पास चीक वगैरह के ऊपर रोल अप हो जाती है, क्योंकि वो पंक्टम छोटी सी ओपनिंग है, वो कितना ज़्यादा फ्लूड लेके जाएगा, थोड़ा हद तक, बाकी तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने के बाद वो चीज़ कहाँ जाएगी, वो हमारे पास रोल अप हो जाएगी। सो दिस वॉज द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आईलेट।